हे एवरीवन, यदि आप भी चिल्ड्रंस डे ऑनलाइन सेलिब्रेशन के लिए आइडियाज एंड एक्टिविटीज की वीडियो सर्च कर रहे हैं, तब आपने राइट वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक से बढ़कर एक एक्टिविटी, जिनकी हेल्प से आप अपने स्टूडेंट्स को घर बैठे ही एंटरटेन करा सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सेलिब्रेशन में हो जाए धमाल, तो प्रिंसिपल और टीचर्स सभी को मिलकर पार्टिसिपेशन करना है। प्रिंसिपल सर और मैडम की एक स्पीच जो कि चिल्ड्रंस डे पर बेस्ड होगी। चिल्ड्रंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, चाचा नेहरू को क्यों याद किया जाता है, उनका इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ऐसी एक छोटी सी स्पीच के साथ, और जिसमें बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे विशेष होंगी, वो अपने प्रिंसिपल सर या मैडम से प्रिपेयर करा लेनी है और इस एक्टिविटी को जल्दी ही कर लेना है। अब बात आती है लैंग्वेज टीचर्स की। आई मीन टू से हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हिंदी या इंग्लिश जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं एक छोटा सा पैराग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं जो होगा नेहरू जी पर बेस्ड, और उसमें से वो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करा सकते हैं, और साथ ही साथ एक क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जो कि नेहरू जी पर बेस्ड होगा। स्कूल में होते हैं एक्टिविटी टीचर, तो इस चिल्ड्रंस डे ऑनलाइन सेलिब्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, वो आएगा एक्टिविटी टीचर का। वो एक्टिविटीज करा सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक से बढ़कर एक एक्टिविटी है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर उस एक्टिविटी को कर सकते हैं, एक से एक बढ़कर एक्टिविटी है, धमाल होगा आपके सेलिब्रेशन में। तो मेरे साथ है राम Hello. और नंदिनी, दोनों ही कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं जो आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं, धमाल मचा सकते हैं। तो हमारी पहली एक्टिविटी है बैंगल्स और क्लोथ पिन के साथ। मैं आपको ले चलता हूं, प्लीज आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमने यहां कुछ बैंगल्स कलेक्ट किया है, और बैंगल्स के साथ साथ ये बच्चों को हमने क्लोथ पिन यूज कराया है। आप देख सकते हैं कि नंदिनी ने अपने हैंड में यहाँ ये क्लोथ पिन यूज की हुई हैं। इसको इस तरह से बस ये ध्यान देना है कि ज़्यादा नई पिन ना हो, ओल्ड पिन होना चाहिए जिससे बच्चों को हैंड में फिंगर्स में पेन ना हो। इसी तरह राम ने अपने पांच फिंगर्स में आप देख सकते हैं कि उसने दोनों जो क्लोथ पिन है उनको लिया हुआ है। साथ में हमें एक्टिविटी में करना क्या है कि इनको एक मिनट के ड्यूरेशन में एक हैंड से ये बैंगल्स को जो है पिक करना है। राम नीचे ड्रॉप करो, पहले आप इसको पिक करके दिखाइए किस तरह से ऐसे पिक करना है, और दूसरे वाले फिंगर में ये इसको ले जाना है। तो दोनों ही पार्टिसिपेंट्स, तीन भी चार भी पार्टिसिपेंट खेल सकते हैं। तो वन मिनट दिया जाएगा और इस एक्टिविटी को बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग ये एक्टिविटी होने वाली है। बस ध्यान रखना है क्लोथ पिन बहुत ज़्यादा टाइट बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। ओके गौरी, निकनेम गौरी है नंदिनी का, मेरी बिटिया का, इसलिए मैं उसको गौरी बोल रहा हूँ। ओके दैट वी कैन डू दिस एक्टिविटी, स्टार्ट योर एक्टिविटी प्लीज, डू फास्ट। राम, नंदिनी, डू फास्ट। इसी तरह बच्चों को बस कलेक्ट करना है, जो ज़्यादा बैंगल्स को कलेक्ट कर पाएगा वही होगा इस एक्टिविटी का विनर। ओके यू गॉट इट, आप भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर्स वो भी बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप प्रिपेयर करा सकते हैं। इसमें बच्चे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर उनके पास घर पर है जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास है, वो उसको प्ले कर सकते हैं, और 30 से लेकर 60 सेकेंड तक की वीडियो वो आपको सेंड कर सकते हैं। फिर आपको उसको कर लेना है कंपाइल वीडियो, जिसमें आप सब बच्चों की जो 30-60 सेकेंड्स की वीडियोज आई हैं, जो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों को 14 नवंबर को ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इससे बच्चे एंटरटेन कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बैलेंस द ग्लास। आप भी देख सकते हैं कि राम और गौरी दोनों के हैंड में एक एक ग्लास है थर्माकोल का, इसे इनको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, पुट ऑन योर हेड प्लीज, अपने हेड पर रख लीजिए। यहाँ बच्चे हेड पर ग्लास को रख सकते हैं और उन्हें अब एक आप डिस्टेंस कवर करने को दे सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है, और इस ग्लास के साथ मम्मी पापा बच्चे सभी एंटरटेन कर सकते हैं, और जो ग्लास को गिराता जाएगा वही आउट होता चला जाएगा, और जो लास्ट तक जितने राउंड आपने रखे हैं 1 राउंड 2 राउंड कंप्लीट कराते हैं, तो ये एक्टिविटी हो जाएगी बहुत एंटरटेनिंग। ओके राम एंड गौरी स्टार्ट प्लीज, देखो दोनों आ रहे हैं, लेट्स सी, नहीं गिरा नहीं रहे हैं ये। और जो आपके स्कूल के किड्स जो कि आपके नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप
पहले से प्रिपेयर करा सकते हैं, उनके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं कि उनको वो नेहरू जी के गेटअप में, आई मीन टू से उनको ड्रेसअप कर दें नेहरू जी की तरह। एंड डोंट थिंक अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें बॉयज और गर्ल्स को ना सोचे, बॉय और गर्ल आज सेम है, दोनों को बनाया जा सकता है। वो रोज फ्लावर, वो उनका कैप, वो बंडी, वो कुर्ता वाइट बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले से ही बच्चों को बोल दीजिएगा और वो अपनी पिक, उनके पेरेंट्स उनकी पिक लेकर आप तक सेंड कर सकते हैं और आप एक वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम एज जो हमारे डांस टीचर हैं वो भी बच्चों से डांस की क्लिप मंगा सकते हैं जो कि 30 से 60 सेकेंड्स की होगी, और वही सेम जो हमने म्यूजिक वाले में किया है डांस वाले में भी हम कर सकते हैं। बच्चों को बहुत एंटरटेन आएगा, अपने घर से वीडियोस वो प्रिपेयर करेंगे और आपको कर देंगे सेंड, और आपको भेज देनी है सब बच्चों तक। अब जो हमारे आर्ट और क्राफ्ट के टीचर हैं वो भी एक्टिविटी करा सकते हैं। उनको क्या करना है, वो बच्चों से ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करा सकते हैं, और आज तो टाइम चेंज है, ई ग्रीटिंग कार्ड वो प्रिपेयर करा सकते हैं। एंड जो हमारे नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू, उन पर उनकी स्केच वो प्रिपेयर करा सकते हैं। एंड साथ ही साथ चाचा नेहरू को कौन सा फ्लावर पसंद था, रोज फ्लावर, दैट इज उस फ्लावर को बच्चों से बोल सकते हैं कि उनको फ्लावर डिजाइन करना है और वो आपको सेंड कर सकते हैं। तो आपकी जो डांस की है, म्यूजिक की है, और इस तरह से आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एक्टिविटीज आ जाएंगी वो आप बच्चों के साथ कंपाइल वीडियो कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पुश द ग्लास विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक थर्माकोल का ग्लास लिया है और ये हमारी स्ट्रो है जिससे आप ये जूस वगैरह पीते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप दो पार्टिसिपेंट ले सकते हैं और टेबल पर इस गेम को बहुत इजीली खिलाया जा सकता है, हम खेल सकते हैं, एंटरटेनिंग रहेगा। अभी देखते हैं राम और गौरी किसको कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। लेट गौरी कीप योर हैंड, राम यू आल्सो दैट। अभी नहीं, इसको 30 सेकेंड्स से हम 1 मिनट तक का टाइम दे सकते हैं, और इसमें इनको क्या करना है, एक दूसरे की तरफ उसको पुश करना है, तो जो ग्लास को दूसरे की तरफ ज़्यादा ले जाएगा वही इसमें होगा विनर। बच्चे बहुत एंटरटेन कर सकते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग गेम है। यस राम एंड गौरी स्टार्ट प्लीज़। देखिए कितना एंटरटेनिंग होने वाला है, नो प्रॉब्लम, बीच में गिर गया है। जिन बच्चों को सॉन्ग में इंटरेस्ट है उनको आप सॉन्ग की वीडियो दे सकते हैं, 30 से 60 सेकेंड्स बच्चे सिंगिंग कर सकते हैं और आप तक पहुंचा सकते हैं वो अपनी वीडियोस, बहुत एंटरटेनिंग रहने वाला है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं, जैसा कि मैं अंताक्षरी और वीडियोज में भी आपके साथ खेलता आया हूँ, तो वो अंताक्षरी होगी थीम बेस्ड, पापा मम्मी और बच्चे, और उसकी बन सकती है एक वीडियो क्लिप फोटोग्राफ्स जो आपको वो सेंड कर सकते हैं और आप पूरे ग्रुप में उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसमें एक थीम, एक वर्ड देना होता है, तो आप बच्चों को ये थीम बेस्ड अंताक्षरी के बारे में बता सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, कजिन्स के साथ उस अंताक्षरी को खेलें और आप तक वीडियो वो पहुंचा दें। कोई भी एक वर्ड वो उसमें यूज होना चाहिए, सपोज आपने पानी दे दिया, सपोज आपने बच्चे वर्ड दे दिया है, तो वो वर्ड उसमें जरूर आना चाहिए। बहुत मजेदार एक्टिविटी होती है एवरग्रीन अंताक्षरी, मजा आएगा। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप बच्चों के बीच करा सकते हैं पंजाब फाइटिंग। रेडी राम एंड गौरी? ओके प्लीज स्टार्ट। दूसरा हैंड एट द बैक, सेकंड हैंड जो अपने बैक पे लेकर जाइए। नाउ यू स्टार्ट, वेरी गुड गौरी, वेरी गुड, वेरी गुड राम, राम डू मोर एफर्ट्स, नंदिनी हारना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप देख सकते हैं कैसे बच्चे एंटरटेन कर रहे हैं, इसी तरह से बच्चों के आप घर पर भी एंटरटेन करा सकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, और मम्मी पापा का भी पंजाब फाइटिंग करा सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग रहने वाला है ये गेम, दिट इज पंजाब फाइटिंग। वेरी गुड, ये नंदिनी ने राम को कर दिया डिफीट, लेकिन राम अभी हिम्मत नहीं आ रहा है। वेरी गुड राम, वेरी गुड नंदिनी, ओके टाइम इज अप, क्योंकि बात बच्चों की है, जैसे वो टीचर्स डे पर हमारे लिए एक से बढ़कर एक एक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं, तो हमारी भी यहाँ ड्यूटी बनती है अपने बच्चों के लिए हम भी कुछ प्रिपेयर करें। आई मीन टू से टीचर्स कोई भी प्ले परफॉर्म कर सकते हैं उनके लिए, जो हमारे म्यूजिकल वाले हैं, हमारे डांस वाले टीचर हैं, वो भी कोई म्यूजिक कुछ भी चीज़ वो बजा सकते हैं, वो डांस शो कर सकते हैं, और अगर कोई टीचर हमारे सिंगिंग में है तो वो सिंगिंग कर सकते हैं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बब्लू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा नेहरू, कर सकते हैं। इस एक्टिविटी हमने लिया है, इसका नाम है बिल्डिंग ऑफ
ग्लास, थर्माकोल ग्लास 8 से 10-15 ग्लास आप ले सकते हैं अगर पार्टिसिपेंट ज्यादा है, 2 पार्टिसिपेंट 3 पार्टिसिपेंट या 1 पार्टिसिपेंट से एक बार में आप करा सकते हैं। उसको टाइम देना होगा 30 सेकेंड में। उनको क्या करना है, उनको एक बिल्डिंग बनानी है ग्लास की हेल्प से, जैसे कि भी राम आपके सामने बनाने वाले हैं, इसी तरह अपने बच्चों को आप शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। राम स्टार्ट योर एक्टिविटी प्लीज। ग्लास सीधा रखना है, उसके ऊपर फिर से आपको एक ग्लास रखना है, फिर पेपर लेना है, फिर से ग्लास रखना है। ये 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में एक्टिविटी कर सकते हैं, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर सबसे कराना है, बहुत एंटरटेनिंग होगा। देखिए राम कितनी जल्दी इस बिल्डिंग को बनाते जा रहे हैं, दैट्स फाइन। और भी क्लास आप इस पर अटेंड करा सकते हैं, तो ये एंटरटेनिंग होगी राम। ये आप बच्चों को मिमिक्री के बारे में बता सकते हैं, वो कोई भी मिमिक्री कर सकते हैं या डायलॉग डेलीवरेशन कर सकते हैं, किसी मूवी का कोई डायलॉग है या अपने टीचर का कोई भी डायलॉग, बस ध्यान रखना है डिग्निटी का, वो बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है विद द बेल आइकन। एंड आई विल मीट यू सून, न्यू वीडियो न्यू थीम, टिल देन टेक केयर।